गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज आई एम डिस्क्राइब फाइंड लीप ईयर इन सी प्रोग्राम। आपको आज हम बताएंगे कैसे हम लीप ईयर पहचानेंगे प्रोग्राम के अंतर्गत, उसमें हम आपको डिस्क्राइब करके दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, हेडर फाइल्स लिखेंगे अपनी दोनों, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, दोनों हेडर फाइल्स लिख करके देन उसके बाद में हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन लगाते हैं जो कि हमारा क्या होता है, वाइड मेन होता है। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर डेटा टाइप लेंगे। डेटा टाइप हमारा क्या होगा, इंटीजर डेटा टाइप होगा, क्योंकि हमको क्या करना है, लीप ईयर निकालना है। तो वहाँ पे हमारे क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, तो नंबर्स को हम क्या करते हैं, इंटीजर डेटा टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं। देन इंट वाई, वाई क्या कराएंगे हम, ईयर को हम इनपुट कराएंगे, ठीक है। देन सी एल आर एस टी आर फंक्शन लगाया जो हमारी स्क्रीन को क्या करा देता है, क्लियर करा देता है, जो जो हमने पहले से प्रोग्राम बनाए होंगे उनको स्क्रीन से हटा देता है, ठीक है। देन यहाँ पे एक मैसेज दिया, एंटर द ईयर, ईयर क्या करिए आप, इनपुट कीजिए, ठीक है। देन स्कैनफ, स्कैनफ में हम क्या कराएंगे, वाई को हम यहाँ पे इनपुट कराएंगे, क्योंकि हमको इसके अंतर्गत हमने डिफाइन किया है। अब इंटीजर डेटा टाइप है तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, परसेंट डी जो हमारे इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। देन एड्रेस वाई, वाई को हम क्या करा देंगे, यूज़र के द्वारा इनपुट कराने के लिए हम क्या कराएंगे, वाई को यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। देन हम क्या कराएंगे, जब भी हमने बता रखा है कि कोई भी अगर आपको कंडीशन लगानी है या सॉरी जब लाइन क्लोज करनी है तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट इन्वर्टेड कामा के द्वारा आपको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। देन अब यहाँ पे कंडीशन लगाए, इफ़ वाई मॉड बाई फोर, अगर ईयर आपका क्या है, चार से मॉड हो जाए और उसका रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो, ठीक है। अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाए, ठीक है, एंड दूसरी हम कंडीशन लगाएंगे वाई जो हमारा होगा मॉड बाई हंड्रेड नॉट इक्वल टू जीरो। अगर वाई को हम क्या करें, मॉड करें हंड्रेड से और वो या तो इक्वल हो जाए या नॉट इक्वल हो जाए, किसके, जीरो के, अगर ये कंडीशन हमारी सत्य हो जाए, एंड वाई मॉड वाई फोर अगर हम ये भी हमारी कंडीशन नहीं होती, देन हम क्या करते हैं, दूसरा एक कंडीशन लगाते हैं जो ईयर होगा उसको हम मॉड करेंगे 400 से और इक्वल टू जीरो, तब अगर हमारा जीरो अगर आता है तो हमारा क्या होगा, वो प्रिंट एफ के अंतर्गत हम डिफाइन कर देंगे दिस इज अ, या उसका हम परसेंट डी और उसके आगे हम इस लीप ईयर और उसमें वाई को यहाँ पे कॉल अप कर लेंगे। अगर हमारा क्या कंडीशन ये गलत हो जाती तो हमारा क्या परसेंट डी और वहाँ पे ईयर आ जाए, देन उसके बाद में लिख करके आ जाए कि इज़ नॉट लीप ईयर और वहाँ पे वैल्यू आ जाए हमारी, देन गेट सी एच लगा कर क्लोज कर देंगे और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देन उसके बाद में हम क्या कराएंगे, इसको कंपाइल कराएंगे कि हमारी कोई एरर तो नहीं है, उसको हम चेक करेंगे, इसमें हमारी नो वार्निंग नो एरर। देन आप क्या कराएंगे, इसको हम रन कराएंगे, ठीक है। रन कराने की शॉर्ट की जो हमारी होती है कंट्रोल के साथ में F9 करते हैं। अब हमसे पूछ रहा है एंटर ईयर, ईयर क्या करिए आप, इनपुट कीजिए, ठीक है। ईयर हम इनपुट करेंगे उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया 2010, 2010 क्या है, फोर से डिवाइड नहीं होगा पूर्ति में, और उसका मॉड क्या है, जीरो नहीं आएगा, तो हमारा क्या होगा, लिख कर क्या आएगा, 2010 इज़ नॉट लीप ईयर, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, हम पहचान सकते हैं, निकाल सकते हैं कि हमारा ये लीप ईयर है कि नहीं है, उसको हम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस टाइप से प्रोग्राम को अपने बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।